मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे आना है क्यों ना, तेरी मर्जी मेरा क्या। बंदोरा की क्यों टेस्टिंग हो गई? ओह कैश, ये सबसे पहले हमने और किसी को दिया था हमपुर कंपनी को डेवलप करने के लिए। वो जब उसको डेवलप कर रहे थे तो एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, क्योंकि वो बैठे थे वैजाग में, हम बैठे मुंबई में, सारी चीज़ें थी। और जैसा सर चाहते थे, सुभाष सर की जो इच्छा थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, उस तरीके से वो काम नहीं कर रहा था। उसका हल भी सुभाष सर ने अपने तरीके से निकाला और एक 100 करोड़ रुपये वर्थ की सॉफ्टवेयर कंपनी अहमदाबाद की उसके 33% शेयर दे दिए 33 करोड़ रुपए दे करके। और वहां पे एक डेडिकेटेड स्टाफ उस कंपनी का अब केवल वो पे ही काम कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट भी काम कर रहा है। तो अब बात ये थी पहले कि जमीन दूसरे की थी, उसके ऊपर हम बिल्डिंग बांध दिए थे। वो तो सामने वाला अगर कभी आके बोलता था भाई मेरी जमीन खाली करा दो, तो हम बिल्डिंग लेके भी बांध नहीं सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते। तो अब जमीन भी हमारी है, बिल्डिंग भी हमारी है, क्योंकि हमारा स्टाफ, हमारा ही स्टाफ अहमदाबाद में बैठ करके एक्सचेंज के ऊपर में 24/7 काम करता है। और उसी का नतीजा है कि एक अपडेटेड वर्जन एक्सचेंज का आप लोगों ने लगाया है। अब इसमें और ट्रेडिंग बढ़े, इसके लिए हमें चाहिए कि दूसरे भी लोग यहाँ पर हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आए। तो दूसरे लोग हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कब आएंगे? जब उन्हें ATC के अलावा और BTC के अलावा कोई पर्याय मिलेगा हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आने का, ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि पूरे दुनिया में मदर करेंसी BTC है। अगर आपको इथेरियम भी लेना है तो आपने BTC परचेस करना है किसी एक्सचेंजर से, फिर किसी एक्सचेंज पे जाके आपको BTC को इथेरियम में कन्वर्ट करना है। रिपल खरीदना है तो सेम तरीका है, विदाउट BTC आप कुछ नहीं परचेस कर सकते हो। और एक्सचेंजर और एक्सचेंज दोनों को आपको हेल्प लेना है। बेचना भी है तो आपने पहले इथेरियम का BTC बनाया, फिर BTC लेकर आप ZPay जैसे किसी भी एक्सचेंजर के पास गए, वहां से आपने BTC सेल किया। इसमें 3-4 घंटे का प्रोसेस में समय जा रहा है। तो जब मैंने बेचा था तब तो शायद BTC का रेट अलग था, और जब मैं विड्रॉल ले रहा हूँ तब तक रेट अलग हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ मुझे 1 लाख आएंगे लेकिन आते 80 है। ये भी एक दिक्कत हम देख रहे थे सभी को लेकर। तो उसका परफेक्ट सोल्यूशन सुभाष सर ने निकाला, और जो नया वो कैश अभी आप लोगों के सेवा में आ जाएगा कल सुबह तक, उसमें मदर करेंसी INR रहेगा। वो कैश का अपना अकाउंट रहेगा, वो कैश के अकाउंट पे आप मान के चले 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जो भी डालते हो उस अकाउंट में, उतने का क्रेडिट आपको वो कैश के वॉलेट में मिलेगा। उससे आप जो चाहिए वो करेंसी डायरेक्टली खरीद सकते हो, चाहे रिपल खरीदो, चाहे डोजे खरीदो, चाहे मोनेरो खरीदो, चाहे BTC खरीदो, चाहे इथेरियम खरीदो। और जब आपको बेचना है तब भी आप डायरेक्ट बेचो, वहां आपका KYC अपडेटेड है, पैसा एज पर द लीगल प्रोसेस, जितने टैक्सेस वैक्सेस अप्लीकेबल है सब पकड़ करके आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ सकता है। तो इनपुट भी INR हो गया और आउटकम भी INR हो गया। अब जो ATC आप क्रिप्टो इनबॉक्स के वो कैश को लेकर जाते हो, उसमें भी एक चीज की, उसको हम कल से कर रहे हैं लाइव। लाइव का मतलब क्या है? यहां जैसा आप फंड ट्रांसफर करते हो एक दूसरे को, आपने मुझे 100 कॉइन ट्रांसफर किया, मैं आपकी टीम में आपके नीचे काम करता हूं, आपने मुझे 100 कॉइन ट्रांसफर किए, आप ट्रांसफर करते हो, मेरा यूजर नेम डालते हो, आपका ट्रांजेक्शन आईडी डालते हो, आपके OTP आता है, आप OTP सबमिट करते हो और दूसरे मिनट मेरे वॉलेट में वो रिफ्लेक्ट होते हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो इनबॉक्स से ओहो पे आपका विड्रॉल जाएगा, लाइव विड्रॉल, जो बीच में 3-4 दिन का प्रोसेस लग रहा था वो अब नहीं लगेगा। यहाँ आपने 50 कॉइन विड्रॉल किए, इमीडिएटली आप ओहो पे देखोगे तो आपके वॉलेट में 50 ATC आपको दिखेगी। अब उस 50 ATC को लेकर के आप किसी भी करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, या वहां के करंट रेट से आप उसका विड्रॉल दे सकते हो। ये चीज अभी वहां पे करती, क्योंकि इसके पीछे दो कारण थे। सब लोगों को सच्चाई मालूम है, क्रिप्टो इनबॉक्स का डैशबोर्ड का रेट 85 और वो कैश पे 18। तो लोग कहते थे, सारे हमारे वेल विशर है, लोग कहते थे सर लाइव कर दीजिए, क्योंकि लाइव का एक्सपीरियंस हमने पहले भी किया है, तब नोवा के साथ किया था, बराबर है सर, लाइव कर दीजिए। लाइव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भले डैशबोर्ड का रेट 18 हो जाएगा, लेकिन दोनों रेट साइमल्टेनियसली बढ़ेंगे, एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़। अच्छी सोच है कि जो रेट हो कैश पे वो क्रिप्टो इनबॉक्स पे लग दिया जाए, लेकिन सुभाष सर की सोच वो होती है जहां सबकी सोच खत्म होती है वहां से आगे वो सोचते हैं। उन्होंने बोला कि जो क्रिप्टो इनबॉक्स का रेट है वो मैं वो पे करूंगा। क्या बात है, एक नंबर।
लगभग 4 रुपए के जमाने से हम लोग 9 रुपए थे जब हमारा रेट 4 रुपए था, और उस वक्त तो विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं थी। रेफरल कमीशन से लेकर लीडरशिप बोनस से लेकर हर चीज आप 9 रुपए ले जा सकते थे और उसका बीटीसी बना सकते थे। 9 रुपए किसी भी कॉइन के साथ में, तब उन 3 कॉइन के साथ वहां पे थे, उसके साथ में उसका ट्रेडिंग कर सकते थे। फिर 3 सितंबर आया, हमारा क्लोजिंग हुआ। 1 सितंबर को रेट 17 था, 3 सितंबर को 20 था, और इस बीच में 17 जुलाई को हमारा रेट 8 रुपए हुआ था। और 17 जुलाई की हकीकत है कि 17 जुलाई को बीटीसी टूट के 121,000 हुआ था और हम 9 पे 8 रुपए थे। यानी जब बीटीसी टूटा था तब भी एटीसी मजबूत था, 6 से 8 रुपए हुआ था। अगर 6 से 8 को बोलते तो वो होता है 35% का एप्रिसिएशन, 6 के ऊपर 2 रुपए बढ़ता है। तो हम 35% बढ़े थे जब बीटीसी 121 तक टूटा था। तो हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे थे 9 पे, तब लोग जो लोग 9 पे ट्रेडिंग कर रहे थे बड़ा अच्छा कर रहे थे। उसके बाद में 1 तारीख को सितंबर में रेट 20 रुपए हुआ, 3 सितंबर का क्लोजिंग हुआ और हमने रेट को लाइव किया। इस बीच में 24 अगस्त को सुभाष सर ने डिक्लेयर किया था कि अब मैं अकाउंट में पैसा नहीं लूंगा, तो जिनके पास जितने आई वॉलेट थे और कॉइन के वॉलेट थे उन्होंने 3 सितंबर के क्लोजिंग में यूज कर लिए। 3 सितंबर को रेट हो गया 20 रुपए और हम हो गए लाइव। जब हम लाइव हो गए तो लोगों को ये डर लगा कि सुभाष सर ने तो अभी पैसा लेना बंद कर दिया, अब ईटीसी कॉइन मिलेगा कैसे। तो सबने क्या किया, 9 के ऊपर में डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतना ही था, डिमांड बढ़ गई, तो 9 पे हमारा रेट बाई लिप्स एंड बॉल्स बनने लगा। अभी 75 है, 10 मिनट में 50 फीट, 15 मिनट में 90, इस तरीके से हम 120 तक चले गए, क्योंकि डिमांड लिमिटेड था, डिमांड मैक्स था, सप्लाई लिमिटेड थी। हम 120 पे चले गए, लोगों ने खूब पैसा कमाया, तब सही हुआ, लाइव रेट था। लेकिन तभी हमारे साथ हादसा हुआ 5 अक्टूबर का, और हादसे के बाद में हम सीधे 120 से 18 पे आ गए। फिर एक धनतेरस का दिन हमने चूज किया कि धनतेरस के दिन हम सब लोग कम से कम 5,000 के ईटीसी परचेज कर लें, और पूरे हिंदुस्तान में न्यूज फैली। तब तो सुभाष भाई भी इंडिया में नहीं थे, बाहर ही थे, ये हम ही लोगों ने सबने न्यूज फैलाई थी। और इतना मजेदार काम हुआ कि उस दिन किसी ने 5,000, 50,000, 75,000 के, मेरी खुद की मीटिंग होटल प्रिविलेज इन में रुका था मैं, और मेरा कल्याण सेशन था उसके पहले दिन, जादव साहब की टीम के साथ में मेरा मीटिंग हुआ, 8-10 लोग, सबने बोला भाई हमको सबको परचेस करना है, और सब लोगों ने बहुत बढ़िया साथ दिया पूरे हिंदुस्तान में। और एक दिन में धनतेरस के दिन 18 करोड़ टूटा के 45 ले, क्योंकि लगभग 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हम लोगों ने किया, ट्रांजेक्शन किया नोवा पे, तो नोवा का 70% बिजनेस एटीसी कर रहा था। उसके बाद नोवा के साथ क्या हुआ सब देखा है। तो अब अगर लाइव करना है तो सबसे पहले हमें पूरी मेहनत करके इस रेट को वहां पर ऊपर लेके जाना, ये कैसे जाएगा, ट्रेडिंग करके। इसलिए अगर कोई नया व्यक्ति एटीसी से जुड़ना चाहता है, होल्डिंग लेना चाहता है, होल्डिंग तो लेगा अरिस्टो की या बिटकॉइन इंप्रूव की, वो सीधा भी अगर चला गया और उसने 5,000 रुपए ओहो के अकाउंट में डाल लिया, ओहो आईडी खोल कर, और ओहो के अकाउंट से उसने 5,000 रुपए में जो भी रेट होगा वहां से उस रेट से उसने एटीसी परचेस किए, और जितने एटीसी लगते हैं 5,000 के लिए क्रिप्टो इनबॉक्स पे तो रेट ज्यादा है, उतने ही एटीसी क्रिप्टो इनबॉक्स पे लेकर आया और होल्डिंग ले लिया, डिपॉजिट कर दिया, तब भी उसकी आईडी लग जाएगी। अब इस प्रोसेस में भी क्या होगा, रेफरल तो आपका ही रहेगा, सारे बेनिफिट्स तो आपको मिलना ही है, लेकिन वो डायरेक्टली भी आ सकता है, तो वो भी एक रास्ता खोल दिया। यानी केवल क्रिप्टो टू ओहो नहीं होगा, ओहो टू क्रिप्टो का भी रास्ता खोल के रखा है, ओहो से भी आप डायरेक्ट क्रिप्टो को डिपॉजिट कर सकते हैं क्रिप्टो इनबॉक्स में और अपनी आईडी को लगा सकते हैं। ये मेजर बदलाव उसने किया है। इसके पीछे का मकसद ये है कि आज के तारीख में सप्लाई डिमांड का रेशियो ये है कि सप्लाई मान के चले 90 है तो डिमांड कहीं ना कहीं 10 है, ये 80-20 होगा, 70-30 भी होगा, 60-40 भी होगा, और 50-50 भी होगा, बहुत ज्यादा समय में ही 15 दिन में हो जाएगा, और तब दोनों रेट इक्विवेलेंट आ जाएंगे। क्योंकि आज अगर आज क्या होता है, लोग विड्रॉल के लिए बैठे हैं, मान के चलिए मैडम ने 18 रुपए में अपने कॉइन बेचने के लिए रखे, मैं जाता हूं अपने कॉइन लेकर, मैं लोएस्ट सेल पर देख रहा हूं 18 रुपए, मैं लगा रहा हूं 17, मेरे पास आए सर 16, फिर आए जॉर्ज सर 15, ऐसा करते करते जो पांचवा आदमी वो 12 रुपए बेचना शुरू कर देता है, 10 रुपए में सेल ऑर्डर लगा देता है, क्योंकि वो उस चीज को इवेल्युएट नहीं कर पा रहा है कि मेरे पास एटीसी क्या है, एटीसी की वैल्यू क्या है, वो केवल विड्रॉल के लिए बैठा है। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मुझे ये चाहत रहेगी कि मुझे एटीसी का अच्छा दाम मिले। अगर मान के चले इसी सीनेरियो में मैं अगर गया कि ओहो पे और मैंने मेरा सेल फिर 40 पे लगाया,
तो आप देखोगे 15 मिनट के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 40 से 45 के बीच में आपको सेल बढ़ दिखेगी, क्योंकि लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। भाई ये अगर 40 में बेच रहा है तो मैं 18 में क्यों बेचूं, जब ऊपर का रेट दिखता है, जब नीचे का रेट दिखता है तो ये 18 में बेच रहा है, चलो मैं 17 में बेच देता हूँ ताकि मेरा पहले बिक जाए। क्योंकि ये हकीकत है कि दुनिया में कोई भी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे की खुशी से दुखी है। तो इसका बिक रहा है तो मेरा इसके पहले क्यों ना बिक जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। तो अब ट्रेडिंग होगा, और केवल ट्रेडिंग नहीं होगा, अब जो आपको सारी यूटिलिटी मिल रही थी, रिचार्ज, कोर इशू, डीटीएच, मोबाइल, ये सारा का सारा रिचार्ज वो कैसे मिलेगा, उस करंट रेट से आपको रिचार्ज मिलेगा। सारा टिकटिंग वो कैश पे आ जाए, जो करंट रेट है उससे टिकटिंग। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि आप एटीसी से टिकट बनाए, अगर आपके पास वहां रिपल है तो आपका रिपल से भी फ्लाइट टिकट बन सकता है, इथेरियम से भी बन सकता है, और बीटीसी से भी बन सकता है। किसी भी करेंसी से आप टिकट और यूटिलिटी यूज कर सकते हो, टिकट से यूटिलिटी, किसी भी करेंसी से, 5 करेंसी मिला के भी कर सकते हो, कुछ रिपल, कुछ एटीसी, कुछ बीटीसी थोड़े थोड़े, और कुछ इथेरियम, ऐसा मिला के भी मैं एक टिकट बना सकता हूँ अगर 20-25 हजार की टिकट। तो ये सारे ऑप्शन खोल दिए, तो अब यूटिलिटी भी वहीं से मिलेगी। तो जितना भी सप्लाई आएगा वो सप्लाई कई जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूटिलिटी में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ट्रेडिंग में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, विड्रॉल में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और साथ ही साथ में वहां पे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल भी आ जाएगा। वो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल जस्ट लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट रहेगा, जिसमें सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहेंगे। उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आप किसी भी करेंसी से परचेज कर सकते हो जो आपके पास वो कैश पर अवेलेबल है, चाहे वो एटीसी हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे रिपल, किसी भी करेंसी से आप पेन से लेके प्लाज्मा टिकट तक हर चीज ले सकते हो। लेकिन उसके ऊपर हमारी नजर भी रहेगी, क्योंकि फ्रिज लेना है तो जावेद भाई एक फ्रिज लेंगे, दो फ्रिज लेंगे, तीन फ्रिज लेंगे, समझ सकते हैं कि अपने घर में रखा, एक ससुराल बेच दिया, एक और किसी को दे दिया। लेकिन अगर रोज एक फ्रिज ले रहे हैं तो हमको वो चीज ध्यान में आएगी। अब ये जो ऑनलाइन दिया जाएगा ये कैसे दिया जाएगा, वहां पर जो फंड्स आएंगे, मान के चलिए 1 दिन में 1 करोड़ रुपए का फंड आए, ठीक है, तो उस दिन क्या रहेगा, टोटल ऑनलाइन शॉपिंग की लिमिट रहेगी 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ का जैसा शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगा, यानी उस दिन जितना फंड आया था उतना ही लिमिट दे दिया, सब लोग मिला के 1 करोड़ का फंड खत्म हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग रुक गई। लेकिन 80 लाख की भी तो 20 लाख कल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गई, फिर कल 2 करोड़ आए तो 2 करोड़ 20 लाख की शॉपिंग कल परमिटेड रहेगी। इस तरीके से वहां पे ऑनलाइन शॉपिंग भी दे दिया। तो अब एक्सचेंज पे जाने के बाद आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। अब हमारा मकसद क्या है कि 15 दिनों में इस डिमांड सप्लाई को लेवल पे लाना है, तो वो रेट ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, ये रेट भी उठेगा, लोगों के डिमांड है, और वो को छोड़ दो ना, क्रिप्टो इनबॉक्स में 90 कर डालो, राइट, 95 कर डालो, क्या होगा, 12 में बेचने वाला 17 में बेचेगा, और 17 में बेचने वाला 22 में बेचेगा। लेकिन आपको जो एक्चुअल यूजर्स है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस फैक्ट को भी आप समझिए, ये तभी मिलेगा जब हम डिमांड और सप्लाई को मैच करेंगे, और तब जब रेट उठेगा तो देट विल बी नेचुरल ग्रोथ। राइट नाउ हम एक हाइपोथेटिकल ग्रोथ ले सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्रोथ ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल ग्रोथ तब लेंगे, और ये बहुत नहीं 15 दिन का लेंगे, क्योंकि इतने सारे जब आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं आपके कॉइन के साथ, और यहां पर नया आदमी भी आएगा। अब हिंदुस्तान में अगर किसी को लाख भर रुपए के 1 लाख के बीटीसी परचेस करने हैं, वो पहले जेप्पे पे जाएगा, 1 लाख डालेगा, बीटीसी लेगा, फिर किसी एक्सचेंज पे ले जाएगा, फिर ट्रेडिंग करेगा। लेकिन हो कैश पे वो डायरेक्ट 1 लाख रुपए डालेगा, 1 लाख का क्रेडिट मिलेगा, यहीं से बीटीसी लेगा और यहीं पे ट्रेडिंग करेगा। तो हम एक्सचेंज और एक्सचेंजर दोनों का अमलगमेशन, दोनों का ब्लेंड है, एक्सचेंज और एक्सचेंजर का हमने हो कैश पे कर, तो इजी टू यूज ये एक्सचेंज, ये कल से पूरा 100% फंक्शनिंग में, अभी भी चालू है, लेकिन इसके बैकएंड पे काम चालू है, कि इसको एक्चुअली फुल फ्लेश में ट्रेडिंग इसका स्टार्ट नहीं किया, ये कल मंगलवार है, कल तक ये सारी चीजें हो जाएंगी और ये बेहतर तरीके से काम करेगा। तो विड्रॉल ये एक जो बात है वो समस्या आप नहीं रहेगी। अब जब डिमांड सप्लाई लेवल पे आएगी तो आपकी विड्रॉल की लिमिट भी बढ़ेगी। विड्रॉल की 2 लिमिट, एक लिमिट है क्रिप्टो इनबॉक्स पे 50 कॉइंस, लेकिन आज 50 कॉइन देने के बाद में 3-4 दिन तक जब तक ये विड्रॉल सक्सेसफुल नहीं होगा दूसरा लगता नहीं, लेकिन जब लाइव हो जाएगा तो ये विद इन द फ्रैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा।
तो आप दूसरे 50 दे सकते हैं जो लोग मल्टीपल इसमें काम कर रहे हैं, जिनके बड़े आईडिया है, जिन्होंने 1 रुपए के जमाने में आए। हमने हमारी सोच उस व्यक्ति के लिए जाती है बेस जो 1 रुपए में आया है, क्योंकि उसने 1 रुपए में अगर 5,000 रुपए के कॉइन्स लिए थे तो उसको 500 कॉइन की ग्रोथ आती है, उसमें से 10% करके 450 आते हैं। तो अगर 3 दिन में 4 दिन में भी एक विड्रॉल लगाता है तो 50-50 के 9 विड्रॉल एक महीने में लगा के अपने पूरे 450 की ग्रोथ एक्सचेंज पे ले जा सकता है। अब ये काम वो और फास्ट कर पाएगा, लेकिन जब ये डिमांड सप्लाई सही हो जाएगा तो हम ये 50 की लिमिट भी धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, 50 से 70 करेंगे। आने वाले समय में धीरे धीरे आपके पास में आने वाला हर इनकम, मेरी बातों को इशारों में समझिए, एक्सचेंज पे कैसे ले जाया जाए इसकी पूरा स्ट्रेटेजी प्लानिंग हम लोगों ने किया है। ये बात नहीं है वही पहले के दिन वापस आएंगे फिर से एक बार, जो वहां पे हर कोई करता था कि सब कुछ लेकर के भी वो जा सकता था एक्सचेंज, वो भी समय आएगा, इसीलिए ये सारा काम हो रहा है। दूसरी विड्रॉल लिमिट जो ओहो से है 5,000 रुपये पर वर्कआउट किया जाएगा एज पर द फ्लो एंड ट्रैफिक ऑफ द ट्रेडिंग, लेकिन अब बाहर का भी ट्रेडिंग ट्रेडर आएगा तो अब हमें ट्रेडिंग को ज़्यादा फोकस करना है। तो ट्रेडिंग आप लोग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ ATC से, अगर आप लोग चाहे तो INR से भी डायरेक्ट वो कैश में जो आपका एग्जिस्टिंग आईडी है वो कैश का उसी भी आप INR लोड करके बाहर से उसमें भी आप एक ट्रेडिंग कर सकते हो। जो बाहर से INR लोड होके आएंगे उसकी विड्रॉल की लिमिट अलग रहेगी, वो एज पर द डिपॉजिट रहेगी, और हमारी जो विड्रॉल की लिमिट है वो आज ऐसी है। धीरे धीरे इन सब चीज़ों को हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो ये अपडेट था लेकर के विड्रॉल को, दूसरा अपडेट है लेकर के प्रोडक्ट्स को। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स रेडी करके रखे हैं, अभी एक B2B का कॉइन भी आएगा जो हमारे एक्सचेंज में मिलेगा, वो एक्सचेंज से बाहर नहीं जाएगा, वो किसी दूसरे एक्सचेंज पे नहीं जाएगा, लेकिन वो B2B का जो प्रोडक्ट है वो एक्सचेंज पर काम करेगा, उसका भी अपना प्लानिंग है। और भी कॉइन्स आएंगे जिसमें हम लोग होल्डिंग ले सकते हैं, जिसमें हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं क्रिप्टो इनबॉक्स को ले जा करके, तो वो सारे प्रोडक्ट्स अभी रेडी करके रखे हैं, वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएंगे। और प्रोडक्ट्स में एक चीज़ और है कि अभी हमारा पहला एक्सचेंज रेडी हुआ है, अभी 15 दिन में आपको दूसरा एक्सचेंज मिलेगा, लगभग 4 एक्सचेंज आपको ऐसे मिलेंगे और लगभग 2 से 3 एक्सचेंज आपको इंटरनेशनल मिलेंगे, कोई डॉलर में काम करने वाला, कोई पाउंड में काम करने वाला। अब उसके पीछे भी स्ट्रेटजी ऐसी है कि हर एक्सचेंज का अपना अलग अलग सप्लाई रहेगा, तो एज पर द सप्लाई हर एक्सचेंज पे अपना अलग अलग रेट रहेगा ATC का। तो आप ये देख पाओगे इन सारे एक्सचेंज के बीच में आप कॉइन ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप ये देख पाओगे कि इस एक्सचेंज के ऊपर में शायद 10 रुपये रेट ज़्यादा है तो मैं मेरा ATC लेके वहाँ चले जाता हूँ, तो रेट ऑटोमेटिकली 7वें एक्सचेंज में 6वें एक्सचेंज में वही रेट पकड़ा जाएगा जो 85 का रेट है, तो हम लाइव हो जाएंगे फिर। और आप लोगों को भी पूरे एक्सचेंजेस के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन बेनिफिट्स हैं वो लेने का रास्ता आपका खुल जाएगा। तीसरी चीज है सर्विसेज को लेकर के, मैं सिस्टम को लेकर भी अपडेट दूंगा लेकिन पहले ये कंप्लीट कर लूँ सर्विसेज को लेकर के। सर्विसेज हम बहुत दिनों से बोल रहे क्या बोल, अब भाई सब लोग इंतजार करते करते परेशान हो गए क्या बोल आएगा। क्या बोल तो 5 अक्टूबर को आने वाला था, लेकिन तब का क्या बोल और आज का क्या बोल दोनों में बड़ा अंतर, जो हादसे हमारे साथ हुए उसके बाद में अब पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से काम केवल और केवल एक्सचेंज पे हो रहा था, ओके। उसके बाद अभी आने वाले 8 दिनों में ओहो पे भी क्या बोल पे काम होगा, लेकिन क्या बोल पे काम हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके, क्योंकि आज से 8-10 दिन पहले जब भी आपने आईडी खोली तो आपको पिन कोड पूछा गया था, एरिया और स्टेट पूछा गया, तो हमने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया कितने यूजर कौन से पिन कोड एरिया में है, तो उस हिसाब से अब हमें मालूम है कि कौन से पिन कोड एरिया में किस तरीके से काम करना है। तो जो क्या बोल का आपको सारा का सारा जो डिटेलिंग दिया गया था कि किस तरीके से हम लोग वेंडर रजिस्ट्रेशन करेंगे या किस तरीके से हम लोग फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसकी प्रोसेस को इसी महीने में 15 तारीख के आसपास हम लोग स्टार्ट कर देंगे, फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा और सारा के सारा वेंडर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, और क्या बोल के माध्यम से भी आप लोगों को इनकम मिलना चाहिए, क्योंकि क्या बोल में कोई भी वेंडर या कोई भी फ्रेंचाइजी अगर रजिस्टर्ड होगी तो वो केवल और केवल ATC कॉइन से ही होगी। तो या तो वो व्यक्ति अब एक्सचेंज पर आकर कॉइन परचेस करेगा या फिर वो आपसे कॉइन लेकर के रजिस्टर्ड हो जाएगा सिस्टम, तो वो चीज भी अभी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात है सिस्टम, सिस्टम में हमने क्या किया, सबसे पहली चीज अब हमें चाहिए यूजर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और स्ट्रक्चर के लिए हमने कभी किसी को बोला है, तो बाजी ने भी कभी बात की हो तो 5,000 की बात की है, और मैंने भी कभी किसी बात की है, मैंने नेरुल में भी प्रोग्राम लिया, नाना जी के नाना जादव जी के, मैंने पनवेल में भी आया,
बाकी कई जगह भी आप लोगों ने अगर मुझे सुना होगा तो हमने बात हमेशा पास बैठ दी, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि 7 लेवल में 255 आएगी 12.5 लाख रुपए डालो और काम करो, क्योंकि 12.5 लाख रुपए डालने के बाद काम करने की मानसिकता उसी दिन खत्म हो जाती है। अब तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे बैठे बैठे क्या है। तो अब सिंगल मोबाइल नंबर सिंगल है, ये चीज फ्राइडे से हो चुकी है, एक ही मोबाइल नंबर से दूसरा आईडी अगर लगेगा तो दिस नंबर वाले जो वो आईडी लगेगी नहीं, क्योंकि हमें चाहिए यूजर। इसीलिए कुछ लोगों ने अपनी पोजीशनिंग को फिक्स करने के लिए ढेर सारे अनपेड आईडी लगा के रखे थे सिस्टम में, इसको टॉप अप नहीं किया, बोले कमाएंगे टॉप अप करेंगे, कमाएंगे टॉप अप करेंगे, घर से लाने की जरूरत नहीं है। शुक्रवार के दिन हमने ऐसे सारे आईडी सिस्टम से डिलीट कर, तो अब सिस्टम में केवल उतनी आईडी बचे हैं जो टॉप अप किए हुए, जो टॉप अप नहीं किए ऐसा एक भी आईडी अब सिस्टम में बचा नहीं, नहीं। निकल गया सफाई अभियान पूरा हो गया है। और फिर सिंगल मोबाइल नंबर सिंगल है, अब इसी तरीके से काम होगा, क्योंकि 17 दिसंबर के क्लोजिंग में हम 45 लाख थे आईडी, 8-10 लाख एक्टिव यूजर थे, अभी 48 लाख के करीब, ठीक है। और हमारा टारगेट है मिशन 1 करोड़ अपटिल द एंड ऑफ 2018। अब इसके पीछे का गणित समझिए क्या है, अगर हम 50 लाख लोगों को और जोड़ते हैं वो यूजर से, और उसमें से केवल 10% यूजर, 5 लाख यूजर भी अगर एक्सचेंज के माध्यम से अंदर आते हैं, तो आपके पास एक्सचेंज पर बेचने के लिए कॉइन ही नहीं बचती, तो आपका रेट कहां चले जाए। तो प्रोजेक्शन ये है, यकीन मान के चले इस बात को, ये बात मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, इस बार की दिवाली में वो हर कोई पछताएगा जिसने 2 रुपए से लेकर 15 रुपए तक अपने आईडी बेचे, 1000 से लेके 9999 होता है, आप जितना साथ देंगे उतना लेके चलेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सब लोग जितना साथ देंगे तो ये हमको तय करना है कि 4 फिगर से हमको 1000 पे रुकना है, 9999 पे। तो हम लोग को क्या क्या करना है वो बता दो। मैंने वही बोला ना, हमको अभी जो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा नई ज्वाइनिंग पे और हमारे एक्सचेंज के ऊपर में ट्रेडिंग पे, क्योंकि दोनों चीजें हमको लेकर के आगे बढ़ने वाली है। और सारे यूसेज, सारे के सारे यूटिलिटीज, सारा ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ अभी इसी में इनकॉर्पोरेट हो गया एक्सचेंज में। तो क्रिप्टो इन्वॉल्व पे तो केवल डिपॉजिट और आपका वो जो आपको रिम्यूनरेशन मिलते हैं एज पर योर एज पर द बिजनेस प्लान, वही काम केवल क्रिप्टो इन्वॉल्व पे होगा, बाकी सब कुछ ओहो पे होगा। वर्ल्ड का पहला ऐसा एक्सचेंज होगा जिसपे यूटिलिटी सर्विसेज और ये सब होंगे यूज, बिल्कुल सारी चीजें। 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे, बाकायदा हमने सारा खाका बना करके रखा है। फ्रेंचाइजी से 4 लाख रुपए लेंगे, एक साथ नहीं लेंगे, 1 लाख आज लेंगे, 1 लाख तब लेंगे जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो के उसकी फ्रेंचाइजी रेडी हो जाए, 1 लाख 6 महीने के बाद लेंगे, 1 लाख 1 साल के बाद। क्या क्या होगा उसमें फ्रेंचाइजी में? सबसे पहले सारी ऑनलाइन चीजें, वर्चुअल प्रोडक्ट्स, और उसके बाद में हम ऑफलाइन चीजें दिखाएंगे। तो अब ये जो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है इस पे जो काम होगा ये भी फ्रेंचाइजी, इसको इसमें से भी बेनिफिट मिलेगा। डिस्काउंट कार्ड का भी एक पैटर्न हम लोग बहुत यूज है, बहुत वास्ट है, डिस्काउंट कार्ड का भी एक पैटर्न सोच के रखा है। आपको भी कई सारी जगह पे डिस्काउंट और प्रिविलेज मिले, बींगे ये आज नहीं होगा, 2-6 महीने में होगा, बींगे एटीसी एसोसिएट, ये भी पैटर्न सोच करके रखा है। लेकिन जो फ्रेंचाइजी हम लोग के साथ में काम करेगा, मैं इतना बोल सकता हूँ कि 2-3 महीने में फ्रेंचाइजी स्टार्ट होने के बाद वो कम से कम 60-75 हजार रुपये पर मंथ की रेंज में रहेगा। मैं फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूँ, ढेर सारी चीजें आज भी हमारे पास में। अभी मैं सुब्रमण्यम के साथ बैठा था, सुबह के वही बातें कर रहा था। इवन अभी हमारे काफी सारे लोग मायमनी सेवा के भी डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं। सर हमारे जैन सर का डिपॉजिट भी है पास में, जैन सर ने भरा है। हाँ भरा है ना, जिनके जिनको फ्रेंचाइजी मिलेगी उनके उस दिन के रेट से जो 500 BTC ATC उन्होंने दिए वो उनके इसमें ये पकड़े जाएंगे जो उनको 1 लाख रुपए देना है वो, और बाकी जिनके नहीं उनका रिटर्न हो जाएगा। लेकिन ये पहला 1 लाख, दूसरा 1 लाख, तीसरा 1 लाख, चौथा 1 लाख ये हम INR में नहीं लेंगे, ATC में ही लेंगे। अब आपके लिए जैसा अगर जैन साहब फ्रेंचाइजी
आपके पास अगर 1 लाख का वॉलेट है तो अपना वॉलेट दे, नहीं तो नाना जादव जी से लेकर या फिर वो ओहो कैश से एक्सचेंज से खरीद के दे। लेकिन हमें 1 लाख का ATC ही चाहिए। क्यों? उसमें हमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन देना है जो उस फ्रेंचाइजी को रेफर करेगा, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो आज मैंने सोचा, जो आज हमने सोचा है वो बताता हूँ। वो 5-10%, 1%, 2% नहीं रहेगा। अभी हम लोग वेंडर रजिस्ट्रेशन पे और फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन पे लगभग लगभग रेफरल को 30-40% देने की मानसिकता के साथ में काम कर रहे हैं, ताकि एक ह्यूज इनकम उनको वहां से भी मिले। जितनी फ्रेंचाइजीज आपके एरिया में, एक एक पिन कोड एरिया में बनेगी और आपकी टीम में बनेगी, उतना उन फ्रेंचाइजीज को और जो वेंडर्स आते, वो प्लम्बर हो, एसी का टेक्नीशियन हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, ये जो वेंडर आएंगे, ये वेंडर भी केवल और केवल ATC वॉलेट देखकर ही रजिस्टर्ड होंगे। तो एक नया इनकम सोर्स वहां से भी क्या बोल के माध्यम से लग जाएगा। तीसरी बात, सिस्टम को लेके बड़ा इंटीग्रल पार्ट है रॉयल्टी, जिसके लिए सारी जद्दोजहद हुआ करते और अभी भी होती है। सही बात है, हमने 2-4-6-8 का क्राइटेरिया रॉयल्टी के लिए पिछली बार लाया, बहुत सारे लोगों ने किया, 30% 35% लोगों ने नहीं किया। और सुभाष भाई को सुभाष भाई उन्होंने कहा कि सबको दे दो क्राइटेरिया, मतलब देखेंगे अगली बार। लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू बी क्वाइट स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग दिस, क्योंकि हम ये बात देख रहे हैं। कुछ बातें बोलूंगा, शायद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अमित सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं दिल से बोलूंगा, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको कपड़े तक ATC में पहनना सिखाया। अब जिनकी लाइफस्टाइल भी ATC नहीं बदली, ऐसे भी कई सारे लीडर थे हमारे पास में जो आज हमारी टीम में अलग अलग बातें करते। नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब जानते, क्योंकि हर एक की टीम में उसकी अपलाइन में उसको ऐसे 1-2 बंदर है उसके पास गुलाटी मारने वाले हर एक की टीम। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी शायद ATC में आके समझी, कईयों ने तो, और पैसा तो सभी ने सिर्फ ATC में आने के बाद ही कमाया, और इतना कमाया कि 19 से ज्यादा, तो बोले करोड़ों रुपया कमाया तो क्या करो, तो 5 लाख यहाँ पे, 5 लाख यहाँ के, 5 लाख यहाँ पे, 5 लाख यहाँ पे, हर जगह 5-5 लाख लाख दो लोग। हमने उनको छोड़ा नहीं है, साथ में रखेंगे। अब उनकी घर वापसी की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब जो धमाका होने वाला है और आप लोग जो धमाका करने वाले हो ट्रेडिंग में और सारी चीजों में, तब उनको पता चलेगा कि मैंने क्या गलती करी। देखिए, जब इंसान मेहनत के पैसे से कोई काम करता है ना, तो लगन से करता है, और जो पैसा कम मेहनत में ज्यादा आ जाता है, तब जो काम करता है उस काम में लगन कम रहती है और चीटिंग ज्यादा रहता है। और पैसे से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है लोगों से, क्योंकि हम नेटवर्किंग की बिजनेस है। आपके उन लोगों ने इसलिए पैसा नहीं कमाया कि उनमें पोटेंशियल था, उन्होंने इसलिए पैसा कमाया क्योंकि उनके साथ आप जैसे अच्छे लोग जुड़े थे, और आप जैसे अच्छे लोगों ने अच्छा काम किया इसलिए उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने इसलिए पैसा नहीं कमाया कि वो होशियार थे। तो पार्टनर मस्ट वर्क, दैट इज द थिंग। तो उसमें कुछ कर रहे, उसके भी अपडेट आप लोगों तक आएंगे। चौथी बात रही KYC की, तो ATC क्रिप्टो इनबॉक्स में कोई भी ID विदाउट KYC खुलेगा। आप लोग तो मुंबई में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल एक काम करना है, KYC अपलोड कर देना है, और KYC अपलोड करके ऑफिस में कॉल कर देना है कि मेरा KYC अपलोड हो गया, इमीडिएटली वेरीफाई हो जाएगा। कल भी काफी सारे लोगों ने वेरीफाई करवा लिए, आज भी सुबह से वेरीफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। 50 लोगों का स्टाफ यहाँ पे और दिल्ली में भी कुछ लोग केवल KYC पर बैठे हुए हैं, और ये काम पास हो रहा है। और उसी मोबाइल नंबर से आपके जितने भी IDs होंगे सभी का वेरीफिकेशन उसी समय हो जाएगा। आपको अलग अलग IDs के ऊपर में अलग अलग KYC अपडेट करने की जरूरत नहीं है। एक मेन ID पे KYC अपडेट कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, उसी मोबाइल नंबर पे जितने ID है सबका KYC ओके हो जाएगा। अब जो आपने सवाल पूछा था, सर KYC अपडेटेशन कंपलसरी है क्या? क्यों कंपलसरी है? एज पर द नॉर्म्स हमको KYC देना चाहिए, और वो पे अगर आप विड्रॉल ले रहे हो INR में, तो विदाउट KYC तो बैंक भी विड्रॉल नहीं देती,
उधर की उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब लोगों का ऐसा इंटरेस्ट नहीं कि बैंक में जाइए पैसा निकाले, दमोन सब थोड़ा बड़ा है। नहीं कितना भी बड़ा हो, मैंने क्या कहा, आपने बीटीसी बना लिया, मान के चलो आपको विड्रॉल नहीं चाहिए, आपने बीटीसी बना लिया, बीटीसी बना के आप उसको किसी भी तरीके से बेच सकते हो, वो तो ट्रांजेक्शन के दिखेगा नहीं, तो उसमें टैक्सेशन का कोई पार्ट ही नहीं, टैक्सेशन का पार्ट आएगा ही तब जब आप बैंक अकाउंट के ऊपर में एंट्री लोगे, अंटिल अनलेस कोई भी टैक्सेशन पार्ट नहीं है सारे वर्ल्ड में। देखो सर कल की बात है, कल भी हम लोगों ने बात की थी, हम लोग बड़े क्या होता है हमारे यहाँ पे आजकल उसको बोला जाता है ना स्वयं घोषित इन्फॉर्मर्स और स्वयं घोषित क्रिप्टो गुरु और स्वयं घोषित यूट्यूबर्स का वो हो गया है, उसको क्या बोलते हैं, उनकी आबादी जो है बड़े तेजी से बढ़ रही है। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, वो होता क्या है ना कि एक फैक्ट्री लगती है बड़ी जिसमें 3 शिफ्ट मिला के 1200-1500 वर्कर काम कर रहे होंगे, तो उस फैक्ट्री के बाहर में क्या होता है, एक चाय की भी दुकान लगती है, एक पकौड़े वाला आता है बाजू में उसके पान वाला आता है। अब इस फैक्ट्री के अंदर जो हो रहा है यही 1000 लोगों को जितना मालूम रहता है ना उससे ज्यादा जानकारी ये बाहर बैठा हुआ पान वाले को चर्चा वही होती है। तो ये फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा जब इस पान की दुकान में जाता है मावा बीवा खाने के लिए, तो उसको बोला तेरे को मालूम है फैक्ट्री में क्या हुआ, बोलता नहीं बता, अरे ऐसा हुआ कर, वो उधर 8 घंटा काम करता है उसको नहीं मालूम, लेकिन बाहर के पान वाले को मालूम है कि फैक्ट्री में क्या हुआ। तो हमारे एटीसी में भी यही है, एटीसी के अंदर के लोगों को हमको ही नहीं मालूम रहता है, हमको मालूम रहता है, हमें मालूम है कि हम क्या काम कर रहे हैं एक्सचेंज पे, और बाहर यूट्यूबर को फिगर ये पड़ेगा कि वो सुभाष भाई को सजेशन देते हैं कि सर आप ऐसा करना है, सुभाष सर ने वैसा करना है, अब जिनको मालूम ही नहीं सुभाष सर कर क्या रहे हैं। तो वो अपनी पान की दुकान बाहर लगा के बैठे हैं ताकि उनकी दुकान में जब तक इस चीजों के ऊपर चर्चा ना हो तो उनकी भी उनका भी मावा उसका सिगरेट तंबाकू नहीं बिकेगा, उनकी भी चाय पकौड़े समोसे नहीं बिकेंगे, इसलिए उनको चर्चा में रहना जरूरी, अगर वो चर्चा में नहीं रहेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन हमारा जो ऑथेंटिक अपडेट है वो केवल और केवल सुभाष देवरिया ही है, उसके अलावा कोई भी अपडेट ऑथेंटिक नहीं है। अमित आकांडी अगर एक वो डाल दे एज बीइंग अ नेशनल ट्रेनर डेवलपर डेवलपमेंट हेड, एक मैं वीडियो डाल दू ऑथेंटिक नहीं है, अंटिल अनलेस मेरी बगल वाली कुर्सी में सुभाष देवरिया, यानी उनकी बगल वाली कुर्सी में माना, ऐसा एक बार अपडेट हमने दिया भी था 26 नवंबर को दोनों ने, तो वही ऑथेंटिक है, अदरवाइज किसी का भी ऑडियो है किसी का भी वीडियो है YouTube पे चाहे जितने सारी बातें आए, ऑथेंटिक अपडेट वही है, और वही अपडेट देने का काम हम पिछले 2 तारीख से कर रहे हैं, कल भी मिला ये सेशन, इसके बाद का भी सेशन, और यहाँ से आगे जो हमारा प्लानिंग है वो प्लानिंग इस तरीके से है कि कुलजीत जी आज तो बाहर है मुंबई में लेकिन दूसरे काम में, तो कुलजीत जी आने थे, तो कुलजीत सिंह चौहान एक सिक्के के 2 पहलू है एटीसी में, एक सिक्के की 2 बाजू होती है, एक बाजू अगर सुभाष जाए सुभाष सर है तो दूसरी साइड है कुलजीत, इसलिए मैं कुलजीत जी दोनों साथ में घूम रहे हैं, नागपुर में भी साथ में रहेंगे, अभी हैदराबाद में भी साथ में रहेंगे 3 दिनों के बाद 4 दिन, तो कुलजीत जी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, आप उनका समय ले और जितनी टीम को हो सके उतनी टीम का इस तरीके से यहाँ पर इंटरेक्टिव अवेयरनेस प्रोग्राम रखे, उनका समय लेकर के और बाहर के भी लोगों को बुलाए और उनको पूरा अवेयर करके सारे टिप्स के साथ में उनको मार्केट में जाने दे। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आज अगर 20 लोगों तक अपडेट चला गया तो कल तक ये 200 लोगों तक चला जाएगा कि हमारे हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आगे हमें आगे बढ़ना है, सब लोगों के दिलों में मीटिंग्स को लेकर के भी काफी सारे प्लानिंग मीटिंग अब लोग हम करेंगे, पहली लोगों की कम से कम 200 लोगों की मीटिंग ज्वाइन एसोसिएट्स की जिसमें हम अपडेट और अवेयरनेस की बात करेंगे जो मैंने अभी। दूसरा जो मीटिंग पैटर्न रहेगा वो रहेगा सक्सेस सेमिनार जैसा भी नागपुर में जा रहा है, जहाँ पर हम हमारे रॉयल्टी अचीवर्स को फेलिसिटेट करेंगे, दोनों जगह के दोनों तरीके के प्रोग्राम्स के शेड्यूल अभी हम लोग सभी लीडर्स के अंदर की बना रहे हैं। अब बात आपके दिल में आएगी ट्रेनिंग की, भाई ट्रेनिंग इसका कैसे चलेगी, उसके लिए भी हम लोगों ने एक यूनिक तरीका ढूंढ लिया है, सामने वाला जो ऑफिस अभी हमने परचेस किया आप देख रहे हैं वहाँ पे भी वो दरवाजा तोड़ करके वो दीवार को पैक कर दिए, वहाँ पर हमारा मल्टी लिंक स्टूडियो बन गया है, स्टूडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बुधवार से स्टूडियो में अभी वही स्टूडियो के अंदर के काम चल रहा है, स्टूडियो पूरा साउंड प्रूफ स्टूडियो कैमरा एंड ऑल दिस थिंग्स, और हमारा खुद का यूट्यूब चैनल ओटीवी दोनों रेडी, सुभाष ने अनाउंस किया भी था ओटीवी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक शेड्यूल दिया करेंगे कि आज हम क्रिप्टो इनबॉक्स को लेकर बात करेंगे, आज ओटीवी को लेकर, आज
क्या बोले कि लेंगे इतने बजे, और उसके उसके जो एक्सपर्ट्स है, ये नहीं अब मैं अगर ओ टीवी का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं ओ टीवी जो संभालता है यहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ है वही बैठेगा, वही सारी इन्फॉर्मेशन देगा और वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। ट्रेनिंग अब उसके बाद में आपको मौका दिया जाएगा अपने सवाल पूछने का, तो आप अपने सवाल जो है एक दिन के दो दिन के समय में हमें मेल कर दें, उसके बाद तीसरे दिन उनको कंपाइल करके डाटा बनेगा, तीसरे चौथे दिन उन सवालों के जवाब फिर आपको ओटीवी के माध्यम से मिलते हैं क्योंकि सभी के सवाल, कुछ लोगों के सवाल लगभग सेम रहेंगे, ऐसे ही कैबोल का भी होगा, ऐसे ही क्रिप्टो इनबॉक्स का होगा, तो हमारे अपने स्टूडियो से आपको ओटीवी जो हमारा यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके ऊपर सारे अपडेट्स आपको वहीं से मिलते हैं। क्रिप्टो इनबॉक्स का भी यूट्यूब चैनल हम ही तो वो लोग थे जो नोवा पे 120 पे लेके गए थे, और हम ही वो लोग थे जिन्होंने नोवा पे 18 पे भी लाया, और दोबारा 45 पे ले जाने वाले भी हम ही थे जो ट्रेडिंग को आप ही लोग कर रहे हैं। सुभाष सर के तो अभी जो नोवा तो वो बोलते सुभाष सर के नोवा पे 1 करोड़ की जीते, बड़े मुश्किल से हम लोगों ने वापस लाया। वो क्या करते थे आप, सस्ते में बेचते थे, खरीद लेते थे, उन्होंने 1 करोड़ तो रटी थी वैसे खरीद लिए, और जब रेट शूट करेगा तो वो अपना ATC भी जब बेचना चाहे तो बेच सकते हो, अपने भी बेचेंगे, तो ये डिमांड और सप्लाई का है सर, ये इसको हमको समझना है और उससे ऐसे काम करना है। यस सर, अरिस्टो कॉइन के बारे में सर कोई डिटेल बताइए। देखिए अरिस्टो कॉइन भी हम दोनों गए थे, एक्सपो में थे हम दोनों भी, तो वहाँ पे सारे सेशंस में हम लोग बैठे थे क्योंकि हम लोग को VIP एक्सेस का, तो सभी के साथ बहुत अच्छा वहाँ पे हमारा डिस्कशन हुआ तब ये पता चला कि पीपल इन द वर्ल्ड दे आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी, दे आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लॉकचेन, और हम लोग बेसिक में हिंदुस्तान में हम आज भी करेंसी को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं क्रिप्टो, वो लोग ब्लॉकचेन के एन नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन को कैसे यूज किया जाए, क्रिप्टो करेंसी इज वन ऑफ द यूजर्स ऑफ ब्लॉकचेन बट नॉट द ओनली यूज ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के एक डिजिटल लेजर है जिसमें आपको हर एंट्री मिल जाती है, तो उसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी काम कर रही है, लेकिन ब्लॉकचेन के ढेर सारे और यूजर्स, तो वो लोग जब क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो उनके दिमाग में अलग चीज है, बहुत आगे जाकर के बात कर रहे हैं, वो मल्टीपल करेंसी की बात कर रहे हैं कि जितनी मल्टीपल करेंसी रहेगी और मल्टीपल सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली करेंसी रहेंगी उतना ये मार्केट ज्यादा चलेगी, और हम लोग आज भी 7 साल की सजा 3 साल की सजा उसी में फंसते हुए हम लोग उसी में फंसते हुए 3 साल की सजा और 7 साल की सजा, जबकि जो बात अरुण जेटली जी ने 1 फरवरी को पार्लियामेंट में कही अपने बजट में कि बिटकॉइन इज नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया, ये बात हमारे सुभाष सर अप्रैल से बोल रहे हैं कि ना तो ये हिंदुस्तान में लीगल है ना ही लीगल है, 10 महीने के बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं पार्लियामेंट में खड़े रहे, ये पहले दिन से सुभाष सर बोल रहे हैं, आप लोगों का 70 बार सुभाष सर से बातचीत हुई होगी उनके सेशन में बात, वो हमेशा यही बोलते थे और आज भी बोलते हम सब बोलते कि ना तो ये लीगल है ना तो ये इलीगल है, तो उन्होंने कहा लीगल टेंडर नहीं है इससे आप व्यवहार नहीं कर सकते ट्रेडिंग के बारे में कुछ बोले, अब फिर उसके बाद में मीडिया, अब मीडिया के लोग आते बात करते भाई साहब किसी पेपर में न्यूज दिया दे देते ओके, अब आप मुझे बताइए कितने लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में कितना अवेयरनेस, हम और आप लोग क्रिप्टो करेंसी में जुड़े हुए मैं समझता हूँ, हम लोग 10 महीने हो गए पैसा भी कमाया तो इसलिए हम पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन जो नॉलेज हमने गेन किया 10 महीने में वो नॉलेज का इनको 10 मिनट में आ जाएगी, क्या ये क्रिप्टो करेंसी को समझ जाएंगे, क्या उसकी टेक्निकलिटी को समझ जाएंगे कि टीवी के ऊपर डिबेट शो ले लेंगे, नहीं हो सकता है ना। मुझे भाई साहब का हाथ पकड़ के इनकी नाड़ी चेक करना समझता है इसका मतलब मैं डॉक्टर नहीं बन गया, क्योंकि मैं नाड़ी से सीधे देखूंगा इनकी पल्स चल रही है नहीं, लेकिन इनकी पल्स रेट कम है ज्यादा है तो मैं डायग्नोस नहीं कर सकता, मैं निदान नहीं कर सकता कि इनको कौन सी बीमारी है, मैं सिर्फ पल्स रेट चेक कर सकता हूँ, है ना। घर में हर माँ अपने बच्चे को बुखार आने के बाद मुंह में थर्मामीटर देकर टेम्परेचर चेक कर लेती है, इसका मतलब थोड़ी क्यों डॉक्टर है,
इलाज तो डॉक्टर ही करेगा। तो ये सब उस तरीके से थर्मोमीटर डाल के टेम्परेचर चेक करने वाले लोग हैं, वो थोड़ी एनालिसिस कर पाएंगे कि चीजें क्या हैं। तो चीजें बड़ी अलग है। हमें जो फोकस करना है वो करना है हमारे नेटवर्किंग पे और हमारे ट्रेनिंग, दो चीजों जिससे हम लोग आप लोगों को ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। हमारे लोगों ने क्या किया, ट्रेडिंग का एक ही मतलब समझा, कॉइन लेकर गए ओवर कैश पे, एटीसी से बीटीसी बनाया, जेट पे जाके या तो बैंक अकाउंट में लिया या बीटीसी किसी को भेज डाला और पैसा दैट इज नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब है मैं एटीसी से बीटीसी करूं या मैं एटीसी से रिपल करूं, रिपल ऊपर उठता है, हमारे पास एक बंदा है पुणे का अपना अच्छा लीडर है विनायक शिंदे का, 250 एटीसी लेकर वो पे गया लास्ट जब वो जब बड़ी अच्छे लगा था 250 एटीसी और उन्होंने 15 दिन में 250 एटीसी के लगभग 4,500 एटीसी बनाए ओहो पे। कैसे बनाए, दिन भर देख रहा है, जब भी फुर्सत मिल रही है एटीसी का रेट थोड़ा नीचे सॉरी थोड़ा ऊपर है, बीटीसी लेवल पे एटीसी से बीटीसी बना लिए, फिर एटीसी नीचे आया बीटीसी थोड़ा ऊपर जा रहा है तो फिर वापस बीटीसी से एटीसी बना लिए, पहली बार 250 के 300 हुए होंगे, फिर 300 के 350 हुए होंगे, ऐसा करते करते उसने 15 दिन में 4,500 एटीसी बना लिए 250 एटीसी। अब अगर वो तो 250 लेके गया था, 250 के लिए उसकी उम्मीद थी कि मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए अगर विड्रॉल की बात करें तो। अब अगर वो 250 बेच भी दे और उसका बीटीसी बना ले, उसका पेबैक तो हो गया लेकिन 4,250 उसके पास ऐसे पड़े हैं जिसको लेकर के वो कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है। जब मैं मल्टीपल करेंसी में उसके साथ में डील करूंगा दैट इज ट्रेडिंग। और ये ट्रेडिंग से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेगा और फिर मुझे जिस डिजायर रेट पे चाहिए उस डिजायर रेट के ऊपर मैंने एक सेल बिड लगाई। सेल बिड लगाने का तरीका होता है, सेल बिड ये लोग हमारे लोग ये देख करके सेल बिड लगाते कि सबसे लो सेल बिड कितनी है, उससे 50 पैसा नीचे जाके मैं लगा दूं ताकि पहला मेरा बिक जाए। जबकि सेल बिड लगाने का तरीका ये होता है कि मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है उस तरीके से मैं मेरी सेल बिड लगाऊं। आज नहीं होगी, 24 घंटे बाद होगी, 48 घंटे बाद होगी, लेकिन जब कोई उस रेट के ऊपर में मेरी सेल बिड लगेगी तो लोग मुझसे ऊपर की सेल बिड डालने की कोशिश करेंगे कि अगर ये 40 में बेच रहा है तो यार 41 में तो आज ही कल को रेट आ ही जाएगा, ऑटोमेटिकली रेट हाई होगा, ऑटोमेटिकली रेट बढ़ रहा है। तो वो तरीका है दैट इज ट्रेडिंग। ये होती है जैसे हम लोग कमोडिटी में इंट्राडे करते हैं, मैंने 10,000 रुपये ओ पे डाले, मुझे एटीसी में ट्रेडिंग करनी, 10,000 रुपये ओ पे डाले, मैंने लोएस्ट बाय बिड को उठाया अपना स्टॉक लिया और हाईएस्ट सेल बिड के ऊपर 2 रुपये जाकर के अपना स्टॉक फिर से सेल पे लगा दिया। अब मैं कम से कम 4 रुपये लेके निकलूंगा। अगर ये 18 रुपये में 4 रुपये में कमा रहा हूं तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास कमा रहा हूं, तो 20% के लिए मैं 3 दिन रुक नहीं सकता हूं क्या, रुक सकता हूं मैं 3 दिन में, रुक सकता हूं 20% के लिए, तो मैं 3 दिन में उतना निकल के आगे निकल गया, ये ट्रेडिंग होती है। फिर मैंने मेरा रोटेशन वापस किया, ट्रेडिंग ये भी आप सब लोग जानते हैं बेहतर है। तो ये अभी ये ट्रेडिंग को लेकर के भी हम लोग सेशन चालू करके वहां पर ओटीवी पे जैसा ही परसों पूरा स्टूडियो रिव्यू हो जाएगा चालू कर देंगे। तो ये ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग हमारा वॉल्यूम बढ़ाएगी। आप गए, आपने देखा अच्छा रेट है, मुझे रिचार्ज करना है, आपने एक्सचेंज से रिचार्ज कर लिया, ये सर्विसेस है। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये भी ट्रेडिंग है। अगर आपने 40 रुपए के भाव से 100 रुपए का रिचार्ज किया तो 2.5 कॉइन का आपने सेल ऑर्डर लगाया 40 के हिसाब से, वो 2.5 कॉइन वहां से हमने लिए और हमने क्या किया 40 का कॉइन लेके 42 के हिसाब से उसका बाय बिड लगा दिए, हमने घर पे नहीं रखे आपके कॉइन, तो हमने वहां पे 2 रुपए का ट्रांजेक्शन बेनिफिट लिए। तो यहाँ बाय बिड में वो बिक जाएगा, आज नहीं बिकेगा कल बिकेगा, लेकिन हमने वहां पे उसको इस तरीके से फिर मार्केट में रोटेट कर दिया। बॉस कितने बना दिए लोगों ने, ये भी एक बात है ना। अब एटीसी के नाम से आपको ढेर ऐप और ढेर वेबसाइट मिल जाएगी, कभी जोड़ के देख लीजिए आप। ये हिंदुस्तान है भाई साहब, लक्ष्मी कॉइन आरबीआई ने लाया नहीं, हमारे मुंबई के बंदे ने लक्ष्मी कॉइन के नाम का ऐप बनाया, 7 दिन में 290 बीटीसी जमा करके लाया,
अब जियो कॉइन के कम से कम 50,000 है। मुकेश अंबानी ने आज तक जियो कॉइन के बारे में सोचा ही नहीं, और 50,000 बन गए। जियो कॉइन का आईसीओ चाहिए तो बीटीसी भेज दो, रजिस्टर कर लो, बीटीसी भेज दो रजिस्टर कर लो। लेकिन हमारा अपना ऑथेंटिक ओटीवी चलेगा, और ओटीवी के ऊपर में आपको सारे के सारे ट्रेनिंग मिलेंगे, सारी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि 100-200 लोगों तक जाकर के ट्रेनिंग करना आज संभव नहीं, क्योंकि हमारा आंकड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन इस माध्यम से जब हम जाएंगे तो हिंदुस्तान के या दुनिया के कोने कोने में हमारा ट्रेनिंग पहुंच जाएगा, और आपको दूसरे को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो यूट्यूब पे लिंक रहेगी, और आप उनको भी बोल सकते हो ओटीवी के ऊपर में। आज जैसा फेसबुक के ऊपर सुभाष सर आते लाइव तो सब लोग अपडेट ले लेते हैं, बाद में वही अपडेट सारे ग्रुप में घूमता है तो सब तक अपडेट पहुंच जाता है। उसी तरीके से ये ओटीवी के जो हमारे जो प्रोग्राम्स रहेंगे, और उसका शेड्यूल आपको क्रिप्टो इन्वेस्ट पे भी मिलेगा, ये कब कौन सा चीज है। तो हम लोग इन्फॉर्मेटिव हो रहे हैं, हम लोग भी अपने आप में सुधार ला रहे हैं, लोग भी इन्फॉर्मेटिव हो रहे हैं, क्योंकि हमें कॉर्पोरेट स्टाइल में नेटवर्किंग करना है। नेटवर्किंग तो करना ही है, लेकिन कॉर्पोरेट तरीके से करना है। तो ये सारी चीजें हैं, और फिर मीटिंग्स के शेड्यूल सब लीडर लोग अपने अपने लोकेशन, ऐसे लोकेशन चूज कीजिए मीटिंग्स के लिए, 200-200 लोगों की मीटिंग के लिए, जिस लोकेशन के ऊपर एटलीस्ट 5 कनेक्टिविटी हो, तो हम लोग कम समय में ज्यादा लोकेशन घूम पाए। तो शेड्यूल बनाएंगे, अभी जैसा मेरा शेड्यूल अभी 7 नागपुर है तो 10 हैदराबाद है, तो मैं कुछ ग्रुप पे भी डालूंगा हैदराबाद के अपडेट। तो हैदराबाद का जब फाइनल हो जाएगा वेन्यू, तो आपका अगर कोई हैदराबाद का बंदा होगा तो उसको बोले भाई तू हैदराबाद जाके बैठ जा, वहाँ पे उसको हैदराबाद में मिल जाएगा ये जो सारे अपडेट है वो, तो आपका पूरा टीम वहाँ से आगे जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये सारे अपडेट्स हैं, इन सारे अपडेट्स के बाद में अगर आपके दिल में कुछ सवाल है तो मैं चाहूंगा कि आप पूछे लीला करिए। वो कैश में रेट बढ़ाने के लिए हमारा तरफ से क्या करना चाहिए, आप ट्रेड करने के लिए बोलते हो एग्जैक्टली बढ़ेंगे। सी क्रिप्टो करेंसी का काम करने का एक ही तरीका है, मोर द यूजर्स मोर द ट्रांजेक्शन, मोर द ट्रांजेक्शन मोर द वॉल्यूम, एंड मोर द वॉल्यूम देर विल बी अ कंटिन्यूअल ग्रुप इन स्टेबिलिटी। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं किसी भी क्रिप्टो करेंसी। अब हम बिटकॉइन की बात करते हैं, कल मैंने चर्चा की, डाटा आया 2,10,00,000 बिटकॉइन, उसमें से 40,45,00,000 बिटकॉइन तो सिस्टम में कहीं है ही नहीं ब्लॉक के, कहाँ गई किसी को मालूम है। बचे 1,70,000 करीब, 1,65,000 करीब, अपना 1,62,00,000 करीब, उसमें से 63% की होल्डिंग चंद लोगों के पास में, ब्लॉकचेन पे आपको इन्फॉर्मेशन मिली। आखिरी में बचे 40-45,00,000 बिटकॉइन, वही पूरे दुनिया में घूम रहे और सब बोलते हैं कि मेरे पास 10 है, मेरे पास 20 है, किसी के पास 5,000 है, किसी के पास 10,000। तो इसलिए उसका रेट शूट होता है। कुछ चीजें मैं क्रिप्टो करेंसी में बताऊंगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हमने ATC में आने के बाद जानी, और कई सारे लोगों ने ATC के आगे क्रिप्टो करेंसी नहीं जानी, और आज कई सारे लोग ये बोलते हैं कि ATC क्या है, क्रिप्टो करेंसी है, वॉलेट है, क्या है। हमारे अपने कुछ जो लीडर उन्होंने सवाल उठाया जो हमारे साथ नहीं है। देखिए होता क्या है, जब तक जब लोगों ने करोड़ रुपए कमाया तब वो ATC क्या है कभी नहीं पूछा, लेकिन जब दूसरी जगह जाकर के बेरोजगारी काटना चालू कर दिया तो जरूर पूछते हैं ATC क्या है। तो ATC अगर कॉइन नहीं होता था तो नोवा पे नहीं होता था, और नोवा पे मार्च से नहीं है, नोवा पे जून से है, और नोवा का जो हादसा वो अगर नहीं होता था तो आज नोवा पे बहुत अच्छे रेट में हम लोग मौजूद रहते थे। नोवा ने हालांकि टर्न बैक किया, टर्न बैक करने के बाद में भी हमारा ट्रांजेक्शन नोवा पे हो रहा था, वॉल्यूम हो रहा था, लेकिन तकलीफ भी बड़ी हुई। काफी सारे लोगों का, कुछ लोगों का अभी भी बचा होगा नोवा टू हुआ है, बड़ी तकलीफ हुई। वो किस तरीके से हमने नोवा के कॉइन नोवा पे लाए हम जानते हैं, क्योंकि 2 ब्लॉकचेन से लाना था, और बड़ी तकलीफ उन्होंने ली, और उन तकलीफों के बावजूद आज लगभग लगभग आगे जो नहीं आए वो आज रात तक या कल सुबह तक आ जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर किसी का नोवा टू वो नहीं आया, अगर दोपहर के बाद में वो लोग जरूर बात करें कस्टमर केयर पे या कोई चीज से, उनके प्रॉब्लम सॉल्व होगी, काफी सारे लोग के आ गए। तो करेंसी इस तरीके से चलती है, करेंसी क्या चल, ट्रेडिंग किस तरीके से चलेगा, ये तो बहुत आगे की बात होगी सर। कई लोगों के पास तो बेसिक नॉलेज नहीं है, हम लोग तो मार्केट ट्रेंड पे चलते हैं। जैसा बिटकॉइन है तो बिटकॉइन का एक ही हार्ड फोर्क आया आज तक दुनिया में, दैट इज बिटकॉइन कैश। वो सितंबर 2016 में आया, क्यों आया, तो बिटकॉइन का जो डिफिकल्टी लेवल है बढ़ गया है, उसको हैश पावर ज्यादा लगती है, माइनिंग स्लो होता है, आपने देखा होगा ब्लॉकचेन में भी 3-3 दिन तक ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे थे, बीच में तकलीफें आ रही थी। तो 2016 में उन्होंने BCH लाया, उसका हार्ड फोर्क गए,
टेक्नोलॉजी उसकी 1 MB की थी, इसकी 6 MB की है, क्योंकि 4 MB पे ऑलरेडी थ्रीम आ चुका है। तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग, सोर्स कोड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन करेंसी चलने का अपना एक ही तरीका है, हम उसको आसानी से समझते हैं। देखिए अभी 24-25 तारीख को क्रिप्टो करेंसी का एक्सपो था गांधीनगर में, और मैं खुद था वहाँ पे एक्सपो है। हम गए